सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं और परिस्थितियाँ इंसान को जीने का ढंग सिखाती है। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। यह आप पर निर्भर करता है आप प्यार बोते हैं या नफरत। अपनी सोच को भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। सलाह सभी की सुनो परंतु करो वही जिसके लिए आपकी हिम्मत और बुद्धि समर्थ रहती है। सलाह सभी की सुनो परंतु करो वही जिसके लिए आपकी हिम्मत और बुद्धि समर्थन करती हो। आज का पंचांग 16 मई 2021 दिन रविवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 11:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:57 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। धनु राशि 16 मई 2021 दिन रविवार, आज आप थोड़ी से गंभीर मानसिक स्थिति में रहेंगे। आपको आज जीवन के व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा लेकिन आप विश्वास और आशावादिता से भरपूर हैं और गहरे भावनात्मक स्तर पर भी मौके लेने के लिए तैयार हैं। आपका कोई करीबी आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अपनी चिंता जाहिर करेगा, उन्हें अपनी स्थिति समझाने के लिए समय निकालें। भाग्यवादी होने की अपेक्षा कर्म प्रधान होना आपको अधिक सकारात्मक बनाएगा क्योंकि कर्म से ही भाग्य को भी बल मिलता है। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित बातचीत भी चल सकती है। अधिक वक्त अकेले रहने के कारण आपको हर एक व्यक्ति के प्रति आशंका उत्पन्न हो सकती है। आसपास के लोगों के बर्ताव का असर आपके स्वभाव पर दिखेगा। मानसिक तनाव और कन्फ्यूजन के कारण किसी के साथ भी जुड़े रहना या रिश्ता निभाना आपके लिए कठिन हो सकता है। काम संबंधित दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें। काम को दुर्लक्षित करना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। विवाह संबंधित निर्णय लेने के लिए फिलहाल आप सक्षम नहीं हैं। इसीलिए इस विषय में किसी भी प्रकार की चर्चा ना करें। कंधों का दर्द रात में तकलीफ दे सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर परिवार पर ना होने दें। बेहतर होगा कि घर की सभी समस्याएं आपस में सही बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वासी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच अहम का टकराव हो सकता है, ध्यान रखें। इसका असर आपके घर परिवार की सुख शांति पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से आप अपनी करियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसीलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें अन्यथा भविष्य में समस्या आ सकती है। बात करते हैं करियर की। आप चुस्त विश्वसनीय दृढ़ और सक्रिय हैं। ये गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। आप आज अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रही हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आज के दिन सफेद रंग शुभ है और अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों में यह रंग पहनें। वित्तीय मामले आज औसत रहेंगे। आज आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता की वजह से व्यावसायिक संबंधित अधिकतर काम घर से ही
संचालित होंगी। इस समय मार्केटिंग और मीडिया संबंधित गतिविधियों में ध्यान ना दें, क्योंकि कोई लाभ नहीं होने वाला। ऑफिस के किसी कार्य को लेकर सहयोगी के साथ कहा सुनी भी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन भी जरूरी है। आज आपकी सेहत अच्छी, आज कईयों की सेहत अच्छी भी रहेगी, क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं। आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। भावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है। आप सकारात्मकता से भरे हैं। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए बहुत अच्छा दिन भी है। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को अधैर्य दें। अधैर्य देते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।